राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ तहसील इकाई कोराँव के पत्रकारों द्वारा तहसील कोराँव पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। ज्ञापन में लिखा गया, निवेदन है कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण एवं सहकारी पत्रकारों पर आए दिन जानलेवा हमले, उत्पीड़न और फर्जी मुकदमे लिखे जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में पत्रकार एवं उनके परिवार पर संकट मंडराता रहता है। आइए दिखाते हैं प्रवीण सिंह की इस खास रिपोर्ट में। से जानना चाहेंगे कि आप लोग आज उप जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आए हैं जी, तो यहाँ पर किस लिए आए हैं? सर, हम लोग आज अधिकारी के सामने ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन देने का आशय क्या है? हम लोग कुछ मांगे अपनी रखे हैं और सरकार से आग्रह करेंगे कि कुछ मांगे हम लोगों की पूरी की जाए। तो ज्ञापन में कितने सूत्री मांग है? 11। आपका परिचय? नरेंद्र मिश्रा, थाना प्रभारी है आपके। और मारवाड़ी किस माध्यम से? मैं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ तहसील दर्जराव रोहसी। मैंने 11 सूत्रीय ज्ञापन दिया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने भगवान सर उपाध्याय के निर्देशानुसार। आज हमारे देशों में पत्रकारों पीड़न का हर जगह पत्रकारों पीड़न किया जा रहा है। हमने पत्रकारों की मांग को रखा गया तहसील अधिकारी को राव को। हमारी मांगे की आज सूत्री में है। हमने पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की है। पत्रकारों पर जो उत्पीड़न होता है उसकी मांगे हैं। पत्रकारों पर बिना जाँच के मुकदमा पंजीकृत कर दिया उसकी मांगे हैं। हमारा यही सरकार से मांगे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैंने ज्ञापन सौंपा है उप जिलाधिकारी के द्वारा। हमारी ये मांग है कि पत्रकारों को उत्पीड़न न हो, उनको सुरक्षा मिले, उनके बच्चों को पढ़ाई की सुरक्षा मिले, जो ग्रामीण अच्छे पत्रकार है उनकी भी सुरक्षा मिले। और कम से कम 25 लाख की बीमा की हमने इसमें अपनी 11 सूत्री में लिखा है। और पत्रकारों का लाइसेंस हो, यही हमारी मांगे हैं। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार रोहित सिंह तहसील कोराँव हाजिर हुए हैं सारे पत्रकार जन लोग। जानना चाह रहे थे आप लोगों से क्या मामला है। मामला देखिए यह है कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की ओर से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके निर्देशन में आज हम लोग तहसील इकाई के जितने भी पत्रकार हैं सारे लोग उप जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आकर के हम सब लोगों ने मिल करके जो लगातार पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लाद दिया जाता है और सीधे उनके ऊपर कार्यवाही की जाती है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज 11 सूत्री ज्ञापन देने का काम किए। उसमें कई मांगे हैं, जैसे हमने अभी बताया कि कुल 11 सूत्री मांग है। सबसे पहले तो हमारी मांग यह है कि पत्रकारों के ऊपर जो आए दिन मुकदमा लाद दिया जाता है उस पर रोक लगाया जाए। यदि किसी के द्वारा मुकदमा लिखाया जाता है तो उसकी क्षेत्राधिकारी के स्तर से जाँच कराई जाए। जाँच करने के बाद यदि हमारा पत्रकार दोषी पाया जाता है तो कार्यवाही हो, नहीं तो किसी को बेवजह परेशान न किया जाए। दूसरी बात, पत्रकार एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है जो कि 24 घंटे लगातार मेहनत करता है, किसी असहाय गरीब की सहायता करना चाहता है, लेकिन जो अराजक तत्व हैं उनको धमकाने का काम करते हैं, आए दिन उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। तो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने कहा कि मांग पत्र में यह भी बात शामिल होनी चाहिए कि उनको यदि पत्रकार चाहता है कि हमको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए तो हम लोग सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हम लोग मांग करते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि पत्रकारों को लाइसेंस भी मुहैया कराया जाए। और उनके जो बीमा की बात भी हो रही है कि उनका जो बीमा कराया जाए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार ने घोषणा किया कि जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का जो है बीमा दिया जाएगा। तो जितने भी तहसील स्तर के पत्रकार हैं उनको भी बीमा दिया जाए, 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख का बीमा दिया जाए। क्योंकि गांव क्षेत्र से ही निकल करके खबरें जो है कहीं आसमान से नहीं आती हैं, गांव से निकल करके खबरें जाती हैं, जन समस्या की जो खबरें हैं वह ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके जाती हैं। तो यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार होते हैं वो मेहनत करके खबर लगाते हैं और उस खबर में पारदर्शिता होती है। इस प्रकार से हमारी 11 मांगे हैं जो हम सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग किए हैं। साहब लाल कुशवाहा, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, तहसील मीडिया प्रभारी।